वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेन। तो देखिए दोस्तों, आज है 1 जून 2021 का। तो चलिए दोस्तों, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं, आज की क्या क्या रही इंपॉर्टेंट खबरें। तो सबसे पहले, इंडियाज लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ द रिक्लाइनिंग बुद्धा वाज टू हैव बीन इंस्टॉल एट द बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन टेम्पल इन बोध गया। तो देखिए, हम सभी लोग जानते हैं बोध गया है, यानी कि बिहार के गया जो जिला है उसी को बोध गया, वहीं पे बोध गया है, ठीक है। तो वहां पे क्या होने वाला है, इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टैचू, ठीक है, यानी प्रतिमा मूर्ति लगाई जाने वाली है, किसकी, रिक्लाइनिंग बुद्धा। रिक्लाइनिंग बुद्धा मतलब कि लेटे हुए गौतम बुद्ध जो है उनकी मूर्ति वहां पे स्टैचू लगाया जाने वाला है। तो ये है बेसिक न्यूज। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, इंडिया 170 इलीगल स्ट्रक्चर डिमोलिश, लगभग 170 से भी ज्यादा इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ी गई हैं। कहाँ पे तोड़ी गई हैं, तो ये तोड़ी गई हैं डल लेक, ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे शायद डल लेक कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, तो ये है कश्मीर में। तो डल लेक बहुत फेमस झील है, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पे 170 इलीगल स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है, CCTV कैमराज इंस्टॉल टू सेव डल लेक, CCTV कैमराज वहाँ पे लगाए गए हैं ताकि डल झील को बचाया जा सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। आइए दोस्तों, कोविड रिलीफ आइटम्स, ठीक है, मेघालय सीएम, मेघालय के जो सीएम हैं जिनका नाम है कॉनराड संगमा, ठीक है, इनके नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर एग्जामिन करेगा क्या GST कट, मतलब कि कोरोना को देखते हुए GST को किस तरह से कम किया जाए। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के केस में अगर देखा जाए तो भाई MSME होते हैं जैसे, या कोरोना की चीज़ें जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन चीज़ों को, यानी कुछ पर्टिकुलर चीज़ों में छूट देने की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, सिचुएशन को देखते हुए। तो ये हमेशा के लिए नहीं है, ठीक है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, साइट इन सीरिया, सीरिया में एक साइट है, एक जगह है, कुड बी बर्ड लार्जेस्ट सॉरी ओल्डेस्ट बार मेमोरियल, ठीक है। तो ये जो जगह है, ये वर्ल्ड का सबसे पुराना बार मेमोरियल बन सकता है, स्टडी में पाया गया है। और क्या पाया गया है, ठीक है, कहाँ पे है, तो ये जानिए आप, सीरिया की बात की जा रही है। आर्कियोलॉजिस्ट से वाइट मॉन्यूमेंट इन तालबनत, ठीक है। तो देखिए भाई, क्या है, आर्कियोलॉजिस्ट जो उन्होंने कहा है कि व्हाइट मॉन्यूमेंट, नाम क्या है, व्हाइट मॉन्यूमेंट कहाँ पे, तलबनत या तलबनात भी इसको कहते हैं, वाज ट्रिब्यूट टू वार डेड ऑफ 3rd millennium BC, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं बार मेमोरियल की तरह एक है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होने वाला, सीरिया की ये जो जगह ऑप्टेन की गई, जगह देखी गई है, वहां पे ऐसा माना जा रहा है कि बार मेमोरियल ये जो है विश्व का सबसे पुराना मॉन्यूमेंट ये हो सकता है, इस जगह का नाम है, ठीक है, व्हाइट मॉन्यूमेंट इसको नाम दिया गया है इन तलबनत। और ये कहाँ पे है, तो सीरिया में। तो आपको ध्यान रखना है, सीरिया व्हाइट मॉन्यूमेंट वर्ल्ड ओल्डेस्ट बार मेमोरियल, ये तीन शब्द आपको भूलना नहीं है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज, तो छोटे छोटे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो न्यूज आई है चाइना से, चीन से, तो चीन से जब से कोरोना शुरू हुआ कोई ना कोई न्यूज आती ही रहती है, लेकिन फिलहाल देखिए क्या न्यूज है, चाइना एंड्स टू चाइल्ड पॉलिसी, चाइना ने अब खत्म कर दी है टू चाइल्ड पॉलिसी। पहले क्या हुआ करता था चीन में, अभी मतलब पिछले एक दशक से लगभग बात की जा रही है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, यानी चाइना की पॉपुलेशन पहले क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसने टू चाइल्ड पॉलिसी, यानी दो से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे किसी के भी, ये पॉलिसी अपनाई थी। लेकिन अब उसने ये पॉलिसी को खत्म कर दिया है, एंड कर दिया है, ठीक है। तो इस पॉलिसी में क्या कह रहे हैं वो, कि अब अलाउ कपल्स को अलाउ किया जाएगा कितने चाइल्ड, टू हैव 3 children, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कर दिया, ये 3 child पॉलिसी पर अब काम करने लगे हैं, ठीक है। तो यानी उनको लगता है कि बुजुर्गों की संख्या हमारे देश में काफ़ी बढ़ गई है, तो लेबर फोर्स कहां से आएगा, मैन फोर्स कहां से आएंगे, सब चीजें, ठीक है, जो काम करेगा, ठीक है। तो ऐसी पॉपुलेशन भी इनको चाहिए होती है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अब 3 child को इन्होंने अलाउ कर दिया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, मीट द लिटोरिया मीरा रियल लाइफ वर्जन ऑफ हैरी पॉटर्स चॉकलेट फ्रॉग। तो देखो भाई, यहाँ पे हैरी पॉटर का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है, जिस तरह से हैरी पॉटर में ये फ्रॉग दिखाए जाया करते थे, चॉकलेट कलर के मेंढक, ठीक है, दिखाया जाया करते थे, उसी तरह अब कह रहा है कि ये प्रजाति है मेंढक की, नाम है लिटोरिया मीरा, ठीक है, रियल लाइफ वर्जन, ठीक है। तो देखो ये कहाँ पाया गया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो प्रजाति है
ऑस्ट्रेलिया में पाई जा रही है, ठीक है, कहां पे पाई जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको ध्यान रखना है ये प्रजाति है किसकी, फ्रॉग की। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाता है, ये प्रजाति कहां किसकी है, फ्रॉग की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, कमिट टू क्विट वर्ल्ड नो टोबैको डे। दिन याद रखना है, वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया है कब, 31 मई को मनाया गया है, ठीक है। थीम रही है इसकी कमिट टू क्विट, ठीक है, तो आपको ये वर्ड ध्यान रखने हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, एस्परगिलोसिस, ठीक है। एस्परगिलोसिस क्या है, ये फंगस है। आफ्टर ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस, केसेस ऑफ न्यू फंगल इन्फेक्शन रिपोर्टेड इन कोविड 19 पेशेंट। जिनको कोविड 19 हो चुका था, कोरोना बीमारी हो चुकी थी, उनमें अब ये फंगस पाया जा रहा है, और इस फंगल इन्फेक्शन का नाम क्या है, एस्परगिलोसिस। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए कुछ चीजें जानते हैं इसके बारे में। एस्परगिलोसिस इज ए फंगल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एस्परगिलेसियस, एस्परगिलियस, ए वेरी कॉमन बाय स्पीसीज, ये बहुत कॉमन प्रजाति है, ऑफ माउल्ड फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन एवरीथिंग फ्रॉम द एयर टू डैम सॉयल एंड डिके। यानी ये कॉमन रूप से पाई जाने वाला फंगल है, ठीक है, जो कि कोविड 19 के पेशेंट में पाया जा रहा है, और शायद ये इम्यूनिटी वीक होने के कारण शायद ये पाया जा रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज, इंडियन आर्मी विल सून गेट 4 हेरोइन टीपी ड्रोन्स। तो आपको ध्यान रखना है, 4 हेरोइन टीपी ड्रोन्स लेने वाले हैं हम लोग, लीज पे आप कह सकते हैं, रेंट पे लेने वाले हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए फ्रॉम इजराइल, ठीक है। इजराइल से लेने वाले हैं क्या ड्रोन्स लेने वाले हैं, किसके लिए, इंडियन आर्मी के लिए लेने वाले हैं, ठीक है। नाम क्या उसका, 4 हेरोइन टीपी ड्रोन्स लेने वाले हैं। कहाँ पे डिप्लॉय करेंगे हम, सो कहाँ पे लगाएंगे, तो LAC पर लगाएंगे। आप सभी लोग जानते हैं चाइना को लेकर कॉन्फ्लिक्ट रहता ही हमेशा, ठीक है, ऐसी कंडीशन बना देता है चाइना, तो अब उसको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया, निगरानी अपने देश की सीमाओं की करने का समय बिल्कुल सही है। आइए दोस्तों, तो इस तरह से आपने देखा कि इतनी सारी न्यूज़ थी आज की डेट में, करंट अफेयर्स की जो न्यूज़ थी, ठीक है, वो हमने एक एक करके देखी। इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र।